परमेश्वर आज आपको उत्तम भाग देने जा रहे हैं, बेटर देने जा रहे हैं। वो आज आपके सामने चुनाव रखेगा, उत्तम लेना है कि नॉर्मल भाग लेना है। अगर आप उत्तम को चुनेंगे तो वो आपको उत्तम भाग देगा। आज आपको चुनाव करना है कि परमेश्वर से उत्तम भाग लेना है या नॉर्मल भाग लेना है। जे आपका चुनाव होगा, हालेलुया, और उसकी इच्छा है कि वो आपको उत्तम दे, हालेलुया, उसकी इच्छा है कि वो आपको उत्तम भाग दे, हालेलुया, क्योंकि मसीह लोगों को उसने उत्तम भाग देने के लिए चुना है। और आज मेरी प्रार्थना है आपके सिर के ऊपर हाथ को बढ़ाकर कि हर वो उत्तम भाग जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपके जीवन में आए, यीशु के नाम में, वो आपके जीवन में आए, यीशु के नाम में, वो आपके जीवन में आए, यीशु के नाम में। आज आप उत्तम भाग और प्रभु के अनुग्रह को लेने वाले, यीशु के नाम में रिसीव करो, आज यीशु के नाम में आपकी आत्मा तैयार हो जाए उत्तम लेने के लिए, बेटर लेने के लिए, बेस्ट लेने के लिए, आपकी स्पिरिट तैयार हो जाए। हर वो आत्मा जो आपको उत्तम भाग लेने से रोक रही है आज आपकी जिंदगी को छोड़कर जाती रही, यीशु के नाम में, आज आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए, यीशु के नाम में। वो उत्तम देने वाला यीशु राजा आपके बीच में प्रवेश करने जा रहा है कि आप उसका स्वागत करेंगे जय जयकार के साथ। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आज जो एक काम हमने करना है वो मैं बताऊंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम सबको एक अच्छा आराधक बना रहा है, और अच्छा आराधक वो सब कुछ ले सकता है जो वो चाहता है, और अच्छा आराधक वो भी ले सकता है जो परमेश्वर से देना चाहता है। वो परमेश्वर आपको तब तक नहीं दे पाता जब तक आप एक सच्चे आराधक नहीं बन जाते। वो वेट कर रहा था कि आप सच्ची आराधना करें और वो आपको वो उत्तम भाग दे जिसके लिए आप चुने गए हो। हालेलुया। आपको एक काम करना है, एक वचन मैं आपको दूंगा, बाद में आप उसे नोट कर सकते हैं। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी कि उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। बाइबल में लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। किससे? विश्वास से। परमेश्वर आपको उत्तम बेटर देने वाला है, उससे पहले आप परमेश्वर को अपना उत्तम दे। हाबिल ने अपना उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। उसके उत्तम बलिदान परमेश्वर को देने के कारण हाबिल के लिए परमेश्वर की क्या आया? गवाही दी गई। कौन सी गवाही? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी, उसका जो उत्तम भाग, उसने भेंट उत्तम भाग दी। उत्तम भाग हम बहुत है जो अपने जीवनों में से दे सकते हैं परमेश्वर को। उत्तम अब्राहम ने क्या दिया था? उत्तम। बुढ़ापे में पुत्र मिला था, उत्तम मिला था। बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में बूढ़ा चुका था तब बेटा मिला, और जब प्रभु ने कहा मुझे दे दे, और वो देने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया उत्तम देने के लिए। उसका सबसे प्यारा बेटा था जिसे वो इतने समय से बाद उसने पाया, और प्रभु कहते मेरे लिए बलिदान कर दे, और वो उसे बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। प्रभु कहते अब्राहम तूने मेरे सामने अपने उत्तम, अपने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा, इसलिए अब देख मैं तुझे कितना बढ़ाऊंगा, कितना तुझे उत्तम दूंगा, आकाश के तारों को गिन सकता गिन ले। कहता इतना दूंगा, इसको कहते हैं इतना दूंगा कि रखने के लिए जगह नहीं होगी। इतना दूंगा परमेश्वर कहता मैं तुझे, अगर तू उत्तम देगा तो मैं तुझे इतना उत्तम दूंगा तेरे पास रखने के लिए जगह ना होगी। क्या आप गवाही के साथ आ रहे हैं और कहने वाले हैं मेरे पास इतना आ चुका है अब रखने के लिए जगह नहीं है, इतने ट्रक आ चुके, इतनी ट्राली आ चुकी, इतना अनाज आ चुका है कि रखने के लिए जगह नहीं है, इतने व्हीकल्स आ चुके हैं, इतना बिजनेस बढ़ चुका है, इतना अपने बिजनेस में स्टॉक बढ़ चुका है कि रखने के लिए अब जगह नहीं है। वो आपको भी देगा ईश्वर के नाम में, हालेलुया। अब्राहम ने क्या दिया? उत्तम दिया। और इससे और बढ़कर हम देखें कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता उत्तम पुत्र आपके लिए दे दिया। जिसने अपने एक लौते को न रख छोड़ा वो आपसे उत्तम क्यों होकर रखेगा? उसने उत्तम दिया और वो आपको भी उत्तम देगा। मैं उत्तम रिसीव कर रहा अपनी सेवकाई के लिए, और आप भी रिसीव करेंगे यीशु के नाम में।
हर संडे वो उत्तम से उत्तम भाग दे रहा है, और जब मैं आज आ रहा था परमेश्वर बता रहा था मैं तेरी सोच से बढ़कर तुझे दूंगा, तेरी सोच से बढ़कर तुझे दूंगा। अगर मैं इस वर्ड के साथ लेकर आया हूं परमेश्वर से, तो आपको भी वो मिलने जा रहा है यीशु के नाम में। आज के प्रीच और टीचिंग की वेट ना करें, परमेश्वर परफेक्टली आपको समझा रहा है जो वो आपको देना चाह रहा है। हालेलुया, वो आपको उत्तम देगा। उसने अपने इकलौते पुत्र उत्तम को बलिदान किया और परमेश्वर ने उसे उत्तम दिया। क्या उत्तम? कि पिता की दाहिनी ओर जाके वो स्वर्ग में विराजमान, परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके यीशु मसीह विराजमान हो गए, बैठ गए। ठीक है, परमेश्वर उत्तम दे। आपने उत्तम के लिए ही आराधना नहीं करनी, उत्तम पाने के लिए आराधना नहीं करनी जो आप करने वाले हो। आपने कहना है प्रभु चाहे इस आराधना को करने के बाद, इस आमीन बोल के रिसीव करने के बाद, उत्तम मेरे जीवन में आए चाहे ना आए, मुझे यह पता है कि स्वर्ग में तूने मेरे लिए उत्तम भाग रखा हुआ है। स्वर्ग में उसने आपके लिए उत्तम भाग रखा हुआ है। चाहे कुछ मिले, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं आपको उत्तम मिलेगा, पर मैं आपको यह गारंटी जरूर देता हूं, स्वर्ग में आपके लिए उत्तम इंतजार कर रहे हैं। अगर उत्तम भाग पृथ्वी पर ना मिले आपको, और आप फिर भी मुस्कुराते रहे, फिर भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, शैतान को रुलाते रुलाते हुए स्वर्ग में जाए, तो उत्तम भाग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बेस्ट आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बेटर वो आपको बेटर देगा, बेटर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपना उत्तम दिया, और मैं भी आज अगर अपुलपट में आपके सामने आया हूं तो अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ मिलके आया हूं। और आज परमेश्वर क्या दे रहा है? उत्तम। उत्तम लेने से पहले उत्तम उसे देना चाहिए, क्योंकि लिखा है लेने से देना भला है। उत्तम हमने करना है। और जब मैं फादर के पास, मैं केवल अपना दसवां हिस्सा नहीं, मेरे मन में आया कि प्रभु मुझे बहुत उत्तम देने वाला, मैं महसूस कर चुका हूं ये एडवांस में एक उत्तम एक्स्ट्रा बेस्ट ऑफरिंग में बोके आया हूं। अगर मैं उत्तम एक्स्ट्रा बोके आया हूं तो उस अनॉइंटिंग के साथ, उस परमेश्वर के फेवर के साथ मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भी उत्तम देंगे तो आपको उत्तम भाग देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, वो आपको उत्तम देगा, वो आपको उत्तम देगा, वो आपको उत्तम देगा। क्या देगा परमेश्वर हमें? उत्तम। एक बार अपने हाथों को उठा के घोषणा करें, कैमरा टीम अपना काम करे, बोलो परमेश्वर हमें उत्तम देने जा रहा है, परमेश्वर हमें उत्तम देने जा रहा है। घोषणा करो उत्तम हमारे जीवन में आ रहा है, उत्तम हमारे जीवन में आ रहा है। अपने हाथों को उठा के घोषणा करें जल्दी, उत्तम हमारा आ रहा है। करो करो ऑनलाइन घोषणा सब जन, हमारा उत्तम भाग आ रहा है, और हम भी परमेश्वर को अपना उत्तम देंगे, हम भी परमेश्वर को अपना उत्तम देंगे, हम भी परमेश्वर को अपना उत्तम देंगे। बोलो हम उत्तम देंगे परमेश्वर को, अपना बेस्ट देंगे परमेश्वर को, अपना बेस्ट देंगे, अपना उत्तम देंगे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, बोले आमेन। हालेलुया। केन ने हाबिल ने क्या दिया? उत्तम बलिदान दिया परमेश्वर के सामने। कई वक्त आपके उत्तम चीजें वो बोलती हैं। हालेलुया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। एक हनोक था व्यक्ति, विश्वास ही से वो उठा लिया गया, जिंदा परमेश्वर ने उसे उठा लिया स्वर्ग में, मौत को नहीं देखा उसने, प्रभु ने उसे जिंदा ही उठा लिया। और उसका पता नहीं मिला, उसका पता नहीं मिला कहां गया वो, उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। ध्यान से सुने, उसके उठाए जाने से पहले, उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई। उठाए जाने से पहले लोगों के द्वारा क्या गवाही दी गई? जब तो कोई व्यक्ति मर जाता, जो चला जाता, लोग गल्ला नहीं करते। उससे उठाए जाने से पहले उसके लिए यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, इसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया कि उसका कोई पता नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर उसे बहुत प्यार करता था, उसने अपने जीवन से इतना प्रसन्न किया। और सबसे बड़ा भाग उत्तम आप क्या दे सकते हो उसे प्रसन्न करने के लिए? प्रसन्न उसे क्या चीज कर सकती है? उत्तम। अगर आप भी चाहते हैं आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया? तूने जो मुझे स्नेह किया इसलिए अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तूने जो मुझसे प्यार किया
इसलिए अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्यार, लव, जिस दिन आपको लव हो गया परमेश्वर से, उस दिन समझ लो उत्तम बाग आपके जीवन में आ जाएगा। प्यार उत्तम बाग को लेकर आता है। और आपके प्रेम का सबूत क्या होता है? अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप चोरी नहीं करेंगे, आप नशा नहीं करेंगे, आप उसे दुख नहीं देंगे, आप व्यभिचार नहीं करेंगे, आप चुगली नहीं करेंगे, आप उसके भवन में आएंगे, आप प्रेयर करेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, आप रोजे रखेंगे, आप बीज बोएंगे, आप संगति करेंगे, आप दिन रात जागेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे और आप उसका सुसमाचार सुनाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसके मांस और लहू को याद करेंगे और आप उसकी सच्ची आराधना करेंगे। जी, आपके प्यार का क्या है सबूत? और जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसके विषय में जे गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। बोने के द्वारा आप परमेश्वर को उत्तम बाग दे सकते हैं। अपना बेस्ट ऑफरिंग बोने से आप परमेश्वर को उत्तम दे सकते हैं। रूहों को बचाना, आपके द्वारा 2, 4, 5, 10 बपतिस्मे ले रूहें, तो आपने परमेश्वर को उत्तम बाग दिया। बाइबल, चाहे आप कोई सेवा नहीं कर रहे पर आप बाइबल के बहुत सारे वचनों की आज्ञाकारी कर रहे हैं, जी आप उत्तम दे रहे हैं परमेश्वर को। और जब आप आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, दिल से आराधना करते हैं, ये सबसे बड़ा उत्तम बाग है परमेश्वर के सामने। कई बार आप बीज बोते हैं। शाऊल को परमेश्वर ने कहा, शाऊल को परमेश्वर ने कहा, जा तू लड़के आ, सब कुछ खत्म कर देना, कुछ भी ना लेकर आना। उसके साथियों ने क्या किया? जंग लड़े, सबको मार दिया और कुछ उत्तम उत्तम चीजें लेकर आ गए, जो खास खास थी। उत्तम उत्तम चीजें लेकर आ गए कि हम ये चीजें हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। परमेश्वर क्या, ओ शाऊल, प्रॉफिट के द्वारा बोला, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये जो तू उत्तम उत्तम बाग लेकर आया है, मुझे पहले ये नहीं चाहिए, पहले ये चाहिए था कि तू मेरी आज्ञाकारी करे। और मैंने कहा था नहीं लेकर आना, कुछ सब कुछ खत्म करके आना है, तूने मेरी आज्ञाकारी नहीं की। अब जो तेरा राज तेरे ऊपर है, तुझसे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा, जो तुझसे उत्तम होगा, जो तुझसे उत्तम होगा। समझ रहे ना? प्रभु उत्तम लोगों को चाहता है, उत्तम देने वालों लोगों को चाहता है। कि अगर एक का इनकार करे तो उससे उत्तम कौन है, तो उसको प्रभु खड़ा कर दे। अगर आप चर्च में सेवा नहीं करेंगे, कोई और गायक करेगा। आप म्यूजिक नहीं बजाएंगे, कोई और बजाएगा। आप सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, कोई और सुनाएगा। आप भवन में काम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। पर आपने करना है जो काम आपको दिया है, आपने उसे करना है। हालेलुया, आपने उसे बेस्ट करना है। हालेलुया, हर कोई चाहता है कि हम बेस्ट दें परमेश्वर को, बेस्ट तैयारी के साथ आराधना करें, स्पिरिट से करें, उत्तम दें परमेश्वर को। जब आप परमेश्वर के लिए उत्तम करते हो, तो परमेश्वर आपके लिए उत्तम उत्तम द्वार खोलते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए उत्तम द्वार खोलते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ उत्तम रखा है, बहुत कुछ बेस्ट रखा है, पर एक ही चीज करनी है, आपने उत्तम देना है। और आपके उत्तम ऑफरिंग से बढ़कर यह है कि आप उसकी आज्ञा को माने, ये भी करें वो भी करें, पर सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बोने से पहले आज्ञाकारी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लाखों का बीज बोके चले जाएं चर्च में, चाहे बेस्ट पूरा चर्च का एक प्लाट के लिए ऑफरिंग बोके चल जाए, पर अगर आप आज्ञाकारी नहीं है, प्रभु के साथ नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप वो काम ना करें, पर अगर आप उसे आज्ञाकारी करने के बाद ये करते हैं, तो बेस्ट है। वचन की आज्ञाकारी, वचन को मानना, यह उत्तम है। और आराधना करना उत्तम है, परमेश्वर का उत्तम बाग परमेश्वर के सामने। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल सेंस की बात मैं बताता हूं। एक कॉमन सेंस होती है कि हम लोगों के बीच बैठे हैं, रिश्तेदार आए हैं, घर में कोई आए हैं, ऐसा नहीं करना उनके सामने, ऐसा नहीं करना, पास में रुमाल रखना है, छींकते समय हाथ रखना है। एक सेंस होती है व्यक्ति को। एक होती है स्पिरिचुअल सेंस कि अगर आराधना करनी कैसे करनी, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है, क्या नहीं मांगना, क्या मांगना, कैसे प्रार्थना करनी, बाइबल पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, सेंस होती है। चर्च में आना तो कैसे आना है, सेवा अगर ब्लंटियर की कर रहे किस सेंस के साथ करनी। एक समय मैं देख रहा था, एक ब्लंटियर ड्यूटी कर रहा था, एक व्यक्ति ऐसे आराधना कर रहे, स्पिरिचुअल सेंस ना होगी और उसे कर रहे यहां खड़ा हो जा, अरे थोड़े लाइन से दूर हो गए, यहां खड़ा हो जाए। सेंस, चाहे कुछ भी सेवा करे आपको सेंस होनी चाहिए ये कि मैंने क्या किया, क्या निबीट जाऊं और इसको दूं एक डांट।
हर काम करने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल सेंस होनी चाहिए जो आत्मिक सेंस होती है। अगर यीशु मसीह आपके पास आपको देने के लिए आए, बबन में आ रहे हैं, होली स्पिरिट आ रहा है, तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। जकरिया 9:9 में लिखा है, हे सियोन बहुत मगन हो जा। मैं आपको कहता चर्च बहुत आनंदित और मगन हो जाओ क्योंकि उत्तम आने वाला है। हे जरूशलम जय जयकार कर, हे जरूशलम जय जयकार, क्या कर, जय जयकार कर। क्यों जय जयकार करनी है? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, क्योंकि आपका यीशु आपके पास आने वाला है उत्तम देने के लिए। वह धर्मी और उदार पाया हुआ है, वह दीन है, वह गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, वो नम्रता से हम्बलनेस से आएगा। और क्या है वो, ऐसे कहता आएगा, जब यीशु आपके पास आए, क्या लिखा, आने से पहले क्या की, राजा आ रहा है तो पहले जय जयकार करो। सोचो एक राजा के सामने, मैं आपको बताना चाहता हूं ये चीज, जब पुराने समय में राजा जब आता था ना, तो उसके पहले जय जयकार होती थी, राजा आ गया, राजा आ गया, राजा आ गया। और जब यीशु मसीह ने यरूशलेम प्रवेश किया तो होसना 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 ऐसे जय जयकार की गई। एक होती स्तुति, हम आराम से परमेश्वर का धन्यवाद और भजन गाते हैं, दो पार्ट हम आराधना में करते हैं, स्लो स्लो हम धन्यवाद करते हैं, उसकी भलाइयों को याद करते हैं। एक होता है हम दिल खोल के मुंह के नाचते झूमते जय जयकार करते हैं परमेश्वर, ये दो पार्ट है आराधना की। और यहां पर और एक तो वो जय जयकार करते हैं, जब राजा आता था आराधना में यीशु मसीह हमारे करीब आते हैं, और दूसरा जब राजा के सामने कोई भी पेश होता था तो वो क्या करता था, राजा के सामने कभी उदास नहीं होता था। अगर कोई राजा के सामने, मतलब लोग आए, राजा जी मान लो कोई पेश हो यहां पर राजा के सामने, राजा जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत भले हैं, मैंने आपके न्याय के काम बहुत देखे हैं, आपने इतनों को खिलाया, इतनों को पलाया, इतनों को घर दिए, इतनों का सही न्याय चुकाया, मैं भी चाहता हूं, मेरा एक व्यक्ति है जो मेरा कर्जा उसका दे नहीं पा रहा हूं, प्लीज मेरी कुछ मदद कर दें। और क्या है, राजा की जय हो, राजा बहुत माने, एक एक्साइटमेंट के साथ उसकी तारीफ करते थे, उसका शुक्र करते थे, उसको खुश करते थे पहले, ये नहीं और राजा एक काम में है जी, प्लीज आप मेरा एक कर्जा देना सी, ऐसे नहीं बोलते थे। तो जब आप आराधना सोचे कि राजा के सामने अगर कोई मुंह लटका के आए ना, ऐसे आए दुखी होके, तो राजा उसे दंड देता था, क्रोधित होता था उसके ऊपर। सोचे कि राजा के सामने आनंद होके हमें जाना चाहिए, तो जो राजों का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु राजा है, जब वो हमारे बीच में आ रहा है तो उसके सामने कैसे आनंद के साथ जय जयकार करनी है। इसलिए रो मत, दुखी मत हो, वो जब भी चर्च आओ, चाहे आप घर से रो के आए हो, पर जब आप वहां से एंटर कर चुके हो, जब चर्च के गेट में एंटर कर चुके हो, तो आनंदित हो जाओ, खुश हो जाओ, मगन हो जाओ, जय जयकार करो, क्योंकि आपका उत्तम आने वाला है।